यूपी में नगर निकाय चुनाव में टिकटों पर मंथन का दौर चल रहा है। बीजेपी में प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में जा रहे हैं और जिले के सांसद, विधायक और चुनाव प्रभारियों के साथ बैठक करके जिताऊ प्रत्याशियों की छटनी कर रहे हैं। इसी दौरान बुधवार को भी बहराइच जिले में प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद बहराइच बीजेपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने बहराइच जिले की 2 नगर पालिका और 8 नगर पंचायतों के प्रत्याशियों की छटनी के लिए जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो कार्यकर्ता जमीन पर काम किया करता है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का समर्थन करता हो और जिताऊ प्रत्याशी हो, पार्टी उसी प्रत्याशी को टिकट देगी। कार्यकर्ता जो होता है वो पार्टी को खड़ा और बड़ा करता है, तो कार्यकर्ताओं के सम्मान में कार्यकर्ताओं के माध्यम से जमीन स्तर के जो कार्यकर्ता जीत सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का जो समर्थित उम्मीदवार है, कोई बाहरी न हो, आवे बाहर न भाग जाए, हमें बाहरी से मतलब नहीं, जो हमारी पार्टी को खड़ा और बड़ा किया हो और जमीन पर जो सेवा किया हो, ऐसे सभी सूची को इकट्ठा किया गया और सबको मैंने कुछ यहाँ था नई तरीके से बैठक हुई है तो उसमें ढेर सारे चेंजिंग हुए हैं और अभी हम शीर्ष नेतृत्व को पहुँचाएंगे और फिर वहाँ से फिर मंथन होगा। फिर मंथन होकर एक जिताऊ कैंडिडेट और जमीनी कैंडिडेट और जिसको जनता पसंद करती और जीत यहाँ दे। बहराइच जिले में 2 नगर पालिका बहराइच और नानपारा है जो बीजेपी के पाले में पिछले 2 दशकों से नहीं रही है। पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए मंत्री जी आगे कहते हैं कि जहां मैं जाता हूं वहां बाजी पलट देता हूं, चाहे मेरा इतिहास उठाकर देख लीजिए। उन्होंने दोनों नगर पालिका पर जीत का दावा किया है कि जहां मैं उतरता हूं वहां परिवर्तन होता है, चाहे जिस भी आजमगढ़ रहे हों 10 सीट हारे थे मैं उपचुनाव में, वहां आपने देखा जीत हुआ, जहां भी मैं जाता हूं वो बड़ा परिवर्तन होता है। निकाय चुनाव में निषाद पार्टी की भूमिका पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए संजय निषाद ने कहा कि वार्डों में लड़ने वाली संख्या ज्यादा है, नगर पंचायतों में लड़ने वालों की संख्या कम है, बीजेपी बड़ा भाई है। साथ ही मंत्री जी आगे कहते हैं कि बीजेपी में 2017 में आया था तो 1 सीट थी और जब बीजेपी से लड़ा तो 15 में से 11 सीटें आई हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में 2017 में आया तो 1 सीट था, भारतीय जनता पार्टी पास आया तो 15 में लड़ा और 11 सीट आई है, तो निश्चित रूप बड़ा भाई भारतीय जनता पार्टी है, वो हमें सम्मान देते हैं। हम लोग जीतने के लिए आए, सीट के लिए नहीं आए, सीट नहीं जीत चाहिए और जीत वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से हो चाहे निषाद पार्टी के सिंबल से हो, वो हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम लोग सबको एक ही मानते हैं और एक मानकर जीत करके आगे। फिलहाल संजय निषाद खुद को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। अब देखना होगा जो सीट पिछले 2 दशकों से बीजेपी के खाते में नहीं गई उस पर कितना निषाद जादू चलता है।